हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाली हूँ कि जर्मनी में विंडो किस तरह के होते हैं और पूरे यूरोप में इनफैक्ट ऐसे ही विंडो पाए जाते हैं सबके घरों पे, और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही अमेजिंग विंडो होते हैं यहाँ पूरे यूरोप में, और ये बहुत ही अलग होते हैं कंपेयर टू और कंट्री के। तो मैं आज उस विंडो को दिखाऊँगी वो कैसे होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या उसमें हैं। ये है वो विंडो और साथ ही ये इसका हैंडल है इसे खोलने के लिए, और मैं दिखाती हूँ इसे किस टाइप से खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसे ऐसे स्ट्रेट ऐसे खोल सकते हैं, और दूसरा तरीका है ये इसके हैंडल को ऊपर करके और साथ ही इसको ऐसे पुल करके इस टाइप से भी खोल सकते हैं। जिससे तो ये विंडो पूरा बंद रहेगा, पर ये ऊपर से थोड़ा सा स्पेस से एयर आ सकता है, इस टाइप से भी इसे खोल सकते हैं। और उसके बाद बहुत ही अच्छा ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें, अगर आप पूरा विंडो नहीं खोलना चाहते हैं तो इस टाइप से भी खोल के रूम में रह सकते हैं। और ये बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है इसे खोलने के लिए, क्योंकि अगर इसे किसी गलत तरीके से ओपन करेंगे तो ये स्टक भी हो जाता है। उसके बाद ये साथ ही ये इसमें ये देख रहे होंगे एक शटर की तरह ये कर्टन दिया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा शटर का कर्टन है, और इसमें भी पूरे होल बने हुए हैं, चाहे तो इसे पूरा ओपन कर भी सकते हैं या तो फिर इसे इस टाइप के होल में अगर आपको सेट करना है तो ऐसे इसे इस क्लॉथ के एक पट्टे हैं दिए हुए हैं उसी के थ्रू मैं इसे पुल करके इसे ऊपर कर रही हूँ, और चाहे तो हाफ भी करके खोल सकते हैं इस टाइप से, और साथ ही चाहे तो कंप्लीट अगर मुझे बंद करना है तो मैं पूरा ऐसे शटर का होल बंद कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो थोड़े होल हाफ होल शटर के खोल के हाफ बंद करके भी यूज़ कर सकती हूँ। और कंप्लीट इस विंडो को अगर लॉक करना है तो ये जो मिडिल में इसका हैंडल है उसे बिल्कुल नीचे कर देना है, तो ऐसे ये लॉक हो जाएगा विंडो, और फिर अगर आपको बीच से खोलना है तो इसे मिडिल में ला के फिर से ऐसे ओपन करना पड़ेगा इसे। और आप देख रहे होंगे जर्मनी में और भी घरों में भी सेम ऐसे ही विंडो बने हुए हैं, सेम ऐसे ही शटर दिया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे घर में यहाँ ऐसे ही विंडो पाए जाते हैं। तो ये थे जर्मनी के बहुत ही अमेजिंग विंडो। आई होप आपको ये यूनिक सा वीडियो पसंद आया होगा और आपको देख के अच्छा लगेगा कि दूसरे कंट्रीज़ में विंडो कैसे होते हैं, उसके फंक्शन कैसे होते हैं और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।